दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ये बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली रहस्य भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। द मून अनसॉल्व मिस्ट्री। दोस्तों आपने आज के समय जरूर देखा होगा कि वैज्ञानिक रोज कोई ना कोई अंतरिक्ष से जुड़े रहस्य खोजते रहते हैं, जिस कारण हम लोग केवल अंतरिक्ष की बड़ी बड़ी चीजों को जानने लगते हैं, जैसे गैलेक्सी क्या है, ब्लैक होल के अंदर क्या पाया जाता है, धरती जैसे आखिर कितने ग्रह और हैं। लेकिन दोस्तों इन सब बातों को जानने के चक्कर में हम उन बातों को भूल जाते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। जैसे दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ और धरती एक समय आग का गोला क्यों थी, तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो इन सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन जिसे आप रोज देखते हो, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मून की, हमारा चंद्रमा। क्या आप जानते हो हमारा चंद्रमा आखिर कैसे बना था? लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब तो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे सका। इसीलिए मून एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन मैं आपको उन थ्योरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो चंद्रमा से लगभग जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों थ्योरीज जब निकाली जाती हैं, जब किसी चीज का सही आंसर नहीं मिल पाता। थ्योरी नंबर फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि आज से करोड़ों साल पहले चंद्रमा नहीं था। उस समय हमारी धरती आज के समय से 10 गुना तेज घूमती थी, जिस कारण धरती का कुछ भाग टूटकर स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के कारण वो हिस्सा आपस में जुड़ गया और एक चंद्रमा जैसी चीज का निर्माण हो गया। थ्योरी नंबर सेकंड, एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि एक समय चंद्रमा हमारी धरती के करीब से गुजर रहा था, जिसे हमारी धरती की ग्रेविटी ने पकड़ लिया और जब से चंद्रमा हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है। थ्योरी नंबर थर्ड, और इस थ्योरी को वैज्ञानिक कई तरह से सही मानते हैं। बताया जाता है कि एक समय कोई बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया, जिस कारण धरती का कुछ भाग टूटकर अंतरिक्ष में चला गया, जिससे एक चंद्रमा का निर्माण हुआ। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की मिट्टी और धरती की मिट्टी 50% एक जैसी है। लेकिन दोस्तों जो एक परफेक्ट आंसर होता है वो आज तक कोई नहीं खोज सका। लेकिन आपको कौन सी थ्योरी सही लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।